निम्नलिखित विवरण की सहायता से 31 जुलाई 2011 को सोहन एंड कंपनी का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, रोकड़ पुस्तक का शेष विकलन 10,000। दूसरा, चेक बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए 2,000। तीसरा, बैंक ने कमीशन लिया 25 रुपए। चौथा, बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया 500 रुपए। पांचवा, बैंक ने बीमा के किस्त का भुगतान किया 800 रुपए। छठवा, चेक ग्राहकों को दिए किंतु 2 अगस्त 2011 तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए 1,000। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमको रोकड़ पुस्तक के डेबिट शेष के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। और अब जब हम इसके शेष को लिखेंगे फाइनल अमाउंट के कॉलम में, हम यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ पुस्तक का डेबिट शेष 10,000 रुपए। और अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें जुड़ेंगे और कौन कौन से घटेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है चेक बैंक में जमा कराए किंतु अभी तक वसूल नहीं हुए, यानी कि संग्रह के लिए भेजा गया और अभी तक संग्रहित नहीं हुआ। ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है उसके अंतर्गत आएगा, संग्रह हेतु भेजे गया चेक असंग्रहित। और टेबल में अगर हम देखते हैं तो माइनस का ये पॉइंट है, हम अपने प्लस और माइनस की पॉइंट्स को दो भागों में अलग अलग यहाँ विभाजित कर लेते हैं। और अब माइनस वाले पोर्शन में फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गया चेक असंग्रहित, और 2000 से हम उसकी अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है उसमें बैंक ने कमीशन लिया, बैंक कमीशन चार्ज कर रहा है, एक प्रकार का ये व्यय है। और हमने पहले भी देखा कि इस तरह के जो व्यय होते हैं उसको हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस कॉलम में इसको लिखेंगे। चाहे तो हम टेबल से भी इसका मिलान कर सकते हैं कि बैंक अगर किसी प्रकार का कोई व्यय कोई खर्च अगर लगाता है तो वो माइनस होता है। तो 25 रुपीज हम माइनस वाले पोर्शन में इसको लिख देंगे, बैंक ने कमीशन लगाया, और 25 रुपीज हम इनर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया। अब ये ब्याज हमको प्राप्त हो रहा है, बैंक ने हमें दिया है, इनकम है हमारी। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि इसको हम प्लस कर देंगे, और ऐड वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया 500। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ने बीमा की किस्त का भुगतान किया 800। तो यहाँ पर हम टेबल में देख रहे हैं कि बैंक अगर किसी भी प्रकार के बीमा की किस्त का भुगतान करती है, और अगर आधार जो है हमारा वो रोकड़ भाई का डेबिट शेष हो, तो उस कंडीशन में माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो माइनस वाले पोर्शन में हम लिखेंगे बैंक ने बीमा के किस्त का भुगतान किया 800। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, चेक ग्राहकों को दिया गया किंतु 2 अगस्त 2011 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, यानी निर्गमित हो गया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तो इस टेबल में हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, उसके अंतर्गत हम इसकी एंट्री करेंगे। और टेबल में हमने देखा कि ऐसा अगर होता है कि जिस तिथि को अकाउंट क्लोज हो रहा है उस तिथि तक जो चेक है वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, तो हम उसको जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे अकाउंट में ही जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ऐड वाले कॉलम का सेकंड पॉइंट, निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और 1000 हम लिख देंगे यहाँ पर। अब क्योंकि हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो टोटल प्लस का जो टोटल है और माइनस का जो टोटल है वो हम दोनों को आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10,000 हमारा बेस है और प्लस के दो पॉइंट है 500 और 1,000। तो 1,500 हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि ये अब हो जाएगा 11,500, और माइनस के जो पॉइंट्स है वो हम इसमें से घटा देंगे। तो टोटल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस का जो पॉइंट है उसमें 2,825 रुपीज आ रहे हैं। तो उसको जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 8,675। और क्योंकि बेस जो था वो हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक था, डेबिट बैलेंस था कैश बुक का, तो आंसर जो हमारा आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि पासबुक का क्रेडिट शेष आएगा 8,675 रुपए। मार्च 2011 को एक फर्म के रोकड़ बही के अनुसार जमा यानी क्रेडिट शेष 17,000 रुपए था। निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, 2,000 रुपए के चेक बैंक भेजे गए जो कि संग्रहित नहीं हुए। दूसरा, 4,000 रुपए के चेक जारी किए गए परंतु 3,000 रुपए के चेक भुगतान के लिए 31 मार्च 2011 तक प्रस्तुत किए गए। तीसरा,
₹150 अधिविकर्ष पर ब्याज केवल पासबुक में अंकित है। चौथा, ग्राहक द्वारा बैंक में सीधे जमा कराए ₹600 परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। पांचवा, ₹1,000 के बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोकड़ बही का जो शेष है वो क्रेडिट हो चुका है। पहले अभी तक हमने जो प्रश्न बनाए वो सभी डेबिट शेष के आधार पर थे, और अब हम जो प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है। तो जैसे कि आपने टेबल में भी देखा कि रोकड़ बही के डेबिट शेष को आधार मानकर जब हम बैंक समाधान विवरण तैयार कर रहे थे तो वहां पर जो पॉइंट्स प्लस में थे, अब जबकि हम रोकड़ बही के क्रेडिट शेष को आधार मानकर बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे तो वो सभी पॉइंट जो प्लस के थे वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस के थे वो प्लस में हो जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको इसकी कैलकुलेशन करनी है। आधार हमने माना है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष ₹17,000, 17,000, जिसको कि हम फाइनल अमाउंट कॉलम में सबसे पहले लिख देंगे। और आइए अब देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट जो है वो माइनस होगा और कौन से पॉइंट जो है प्लस होंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ₹2,000 के चेक बैंक भेजे गए संग्रहित नहीं हुए, यानी कि स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, जो कि यहाँ पे हम टेबल में देखते हैं कि हमारा सेकेंड पॉइंट है। और ये प्लस का पॉइंट है, तो हमने क्योंकि दो पोर्शन अलग अलग कर लिए हैं, ऐड के अलग कर लिए और लेस के अलग कर लिए हैं, तो ऐड वाले पोर्शन में जाएगा ये संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित और 2000 इसकी अमाउंट हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, ₹4,000 के चेक जारी किए गए लेकिन ₹3,000 का चेक भुगतान के लिए 31 मार्च 2011 को प्रस्तुत किया गया। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को हमको समझना है कि निर्गमित जो किए गए थे चेक जारी किए गए, यानी कि निर्गमित किए गए, वो 4000 के थे, लेकिन 31 मार्च तक जबकि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करनी है तो यहाँ पे केवल 3000 के चेक ही संग्रहित हुए। यानी कि ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि वास्तव में ₹1,000 के चेक संग्रह हेतु भेजे गए जो असंग्रहित रहे, 4000 में केवल 3000 ही संग्रहित हुए, यानी कि 1000 असंग्रहित रहे। और अगर हम टेबल देखते हैं तो ये जबकि रोकड़ भाई का क्रेडिट शेष है तो ये जो पॉइंट है ये माइनस में आएगा, तो लेस वाला जो पोर्शन है उसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और अमाउंट जो हम उसमें लिखेंगे, हमको विशेष ध्यान रखना है कि 4000 में से 3000 का चेक संग्रहित हो चुका है, यानी कि 1000 का चेक ही असंग्रहित है, तो केवल हम ₹1,000 से ही इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड पॉइंट में ₹150 अधिविकर्ष पर ब्याज केवल पासबुक में अंकित है। हम टेबल में भी देखते हैं कि अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट जो है उस पर जो ब्याज लगाया जाता है उसके बारे में दिया गया है कि अगर ब्याज लगाया गया लेकिन केवल पासबुक में ही अंकित है, रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, तो ऐसी कंडीशन में आधार अगर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है तो ये जो पॉइंट है ये जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐड वाले वाला जो हमारे पोर्शन है वहां पर हम लिखेंगे अधिविकर्ष पर ब्याज केवल पासबुक में अंकित, और 150 हम उसकी एंट्री करेंगे ऐड से। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राहक द्वारा बैंक में सीधे जमा कराए गए ₹600 परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राहक अगर सीधे बैंक में जमा कर दिया है लेकिन रोकड़ बही में हम इसकी एंट्री नहीं करते हैं, तो टेबल में हम देख रहे हैं कि माइनस होता है, माइनस का ये पॉइंट है, और माइनस वाला जो पोर्शन है उसमें हम लिखेंगे और ₹600 इसकी एंट्री हम इनर कॉलम जो है अमाउंट का उसमें हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि ₹1,000 का बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया लेकिन रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि नहीं की गई। तो इस कंडीशन में जबकि बैंक अगर बीमा प्रीमियम का भुगतान करता है तो जो अमाउंट है वो जुड़ जाती है, बढ़ जाती है इससे राशि, इसलिए अमाउंट को प्लस करते हैं और ऐड कॉलम में अब ऐड वाला जो पोर्शन है उसमें हम इसकी एंट्री कर देंगे बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान जो कि रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, और 1000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ प्लस के जो पॉइंट्स है, तीन पॉइंट है प्लस के, 2000, 150 और 1000, यानी कि 3150, इसको हम जो हमारा बेस था 17000 उसमें हम प्लस कर देंगे, और इसमें माइनस के जो दो पॉइंट है यानी कि 1000 और 600, 1600 टोटल इसमें से जब हम माइनस कर देंगे
तो हमारा फाइनल जो बैलेंस बचेगा वो जाएगा 18,550। और क्योंकि आधार जो था हमारा वो था रोकड़ बही का डेबिट शेष, तो इसके अनुसार जब आंसर जो हमारा आएगा, बैलेंस जो आएगा हमारा, वो पासबुक का डेबिट शेष हो जाएगा। तो पासबुक के डेबिट शेष के आधार पर हम बैलेंस लिखेंगे 18,550। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2011 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, रोकड़ बही का अधिविकर्ष 42,000। दूसरा, मेसर समृद्ध ट्रेडर्स को 2,160 का चेक दिया जो अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। तीसरा, 1,200 रुपए का एक चेक मिला जिसे रोकड़ बही में लिखा परंतु बैंक नहीं भेजा गया। चौथा, 4,800 रुपए का एक चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा परंतु अनादृत हो गया। पांचवा, 1,600 रुपए का एक चेक बैंक भेजा परंतु संग्रहित नहीं हुआ। छठवा, 200 रुपए बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा दिया गया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। सातवा, बैंक ने 60 रुपए बट्टा लेकर 4,000 रुपए के देय बिल का भुगतान किया जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि रोकड़ बही के अधिविकर्ष यानी कि क्रेडिट शेष के आधार पर हमको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। तो सबसे पहले हम रोकड़ बही के क्रेडिट शेष को फाइनल अमाउंट कॉलम में 42,000 से हम इसकी एंट्री कर देंगे। और अब जबकि हमारा आधार रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है यानी कि अधिविकर्ष है, तो इस कंडीशन में आइए देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट ऐड होंगे और कौन कौन से पॉइंट प्लस होंगे। तो पहला पॉइंट है, मेसर समृद्ध ट्रेडर्स को 2,160 का एक चेक दिया लेकिन अभी तक वो चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है। यानी इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं कि ये है निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, यानी टेबल में हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और ये माइनस होगा उस कंडीशन में जबकि हमारा जो बेस है वो रोकड़ बही का क्रेडिट शेष यानी कि अधिविकर्ष है। दूसरा, 1,200 रुपए का एक चेक मिला जिसे रोकड़ बही में लिखा गया परंतु बैंक नहीं भेजा गया, तो संग्रह है तो भेजे गए चेक असंग्रहित के अंतर्गत इसको हम इसकी एंट्री करेंगे। तो इस कंडीशन में जबकि चेक मिला है रोकड़ बही में लिखा है लेकिन बैंक अभी तक नहीं भेजा गया है, तो यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं कि प्लस का पॉइंट है, एड का पॉइंट है, तो एड वाले पोर्शन में हम इसको लिखेंगे चेक प्राप्त रोकड़ बही में लिखा परंतु बैंक नहीं भेजा, और 1200 से हम इसकी एंट्री एड कॉलम से अमाउंट में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, 4,800 का चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा परंतु अनादरित हो गया। टेबल में हम देख रहे हैं कि अगर बैंक में संग्रह के लिए भेजा गया चेक डिसऑनर्ड हो जाता है तो, और कंडीशन ये है कि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष आधार है, तो इस कंडीशन में हम इसको प्लस करते हैं तो ये ऐड वाले पोर्शन में चले जाएगा। वो चेक जो संग्रह के लिए भेजा गया था और वो अनादृत हो गया, तो इस कंडीशन में ये अगर रोकड़ भाई का क्रेडिट शीट है तो प्लस का पॉइंट है, प्लस ऐड हो जाना चाहिए इसको, तो ऐड के पोर्शन में हम लिखेंगे बैंक में संग्रह के लिए भेजा गया चेक अनादृत हुआ, और 4,800 रुपए से हम इसकी एंट्री अमाउंट कॉलम में करेंगे। नेक्स्ट, 1,600 रुपए का चेक बैंक भेजा गया परंतु संग्रहित नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं टेबल में कि ये प्लस का पॉइंट है, कब, जबकि रोकड़ भाई का क्रेडिट शेष हमारा आधार हो, तो हम इसको ऐड वाले पोर्शन में लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और इनर कॉलम में अमाउंट के इनर कॉलम में 1,600 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, 200 रुपए बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा दिया गया जो रोकड़ भाई में नहीं लिखा गया, तो अब क्योंकि ये बीमा प्रीमियम है बैंक द्वारा दिया गया है, और एक विशेष बात यह है कि रोकड़ भाई में अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो आगे जो हमारी रोकड़ भाई का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, तो इस कंडीशन में, और दूसरी बात यह कि रोकड़ भाई का क्रेडिट शेष है, तो इस कंडीशन में हम इस अमाउंट को जोड़ देंगे, तो हम इसको ऐड वाले पोर्शन में लिखेंगे 200 रुपए बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा दिया गया लेकिन रोकड़ भाई में नहीं लिखा गया, और इनर अमाउंट के कॉलम में 200 रुपए से 200 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में, बैंक ने 60 रुपए बट्टा लेकर 4,000 रुपए के देय बिल का भुगतान किया जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। दो चीजें हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, एक तो देय पत्र का भुगतान बैंक कर रहा है
और दूसरा इस पे 60 रुपए बट्टा भी बैंक ने लिया है, तो एक प्रकार से व्यय हुआ है हमारी तरफ से। तो यहाँ पर हम दोनों की जो एंट्री करेंगे वो अलग अलग होगी। पहले तो हम बट्टा के बारे में सोचेंगे कि बट्टा लिया है उसने, डिस्काउंट है यहाँ पर, तो इसकी एंट्री जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर टेबल में कि अब ये माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस होगा क्योंकि रोकड़ भाई का अधिकृत शेष है। तो 60 रुपीज को हम लेस वाला जो हमारा पोर्शन है उसमें लिखेंगे कि बैंक ने बट्टा काटा 60 रुपए, और 60 रुपए की जो अमाउंट है 60 रुपीज हम अमाउंट में इनर अमाउंट कॉलम में इसकी एंट्री कर देंगे, और बाकी जो 4,000 रुपए है उसको हम देय बिल का उससे भुगतान किया गया है। तो क्योंकि अगर बैंक देय बिल का भुगतान करता है और वो देय बिल अभी तक रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में फिर क्योंकि वो राशि जो है वो बढ़ जाएगी। तो अब हम इसको ऐड वाले पोर्शन में डाल देंगे 4,000 रुपए को, 4,000 को, और यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक द्वारा देय पत्र का भुगतान किया गया जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा गया, 4,000 हम ऐड कॉलम में लिख देंगे। और अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारा बेस है 42,000, इसमें बहुत सारी चीजें जो प्लस होंगी वो है 1,200, और उसके बाद 4,800, और फिर 1,600 और 200 बीमा प्रीमियम के। तो ये सारी मदें जो हैं उनको हम प्लस करके फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, और 42,000 में हम इसको ऐड कर देंगे। फिर जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है उसमें से हम माइनस की जो मदें हैं उनको माइनस कर देंगे, जैसे कि 2,160 और 60 रुपीज जो बैंक बट्टे का है वो हम माइनस कर देंगे। तो टोटल जो हमारा बैलेंस आएगा यहाँ पर प्लस माइनस करने के बाद वो हो जाएगा 51,580। तो 51,580 जो है वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने बैंक समाधान विवरण तैयार करना शुरू किया था तो हमारा जो बेस था वो था रोकड़ बही का अधिविकर्ष, इसलिए जब आंसर जब हम लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे पासबुक का अधिविकर्ष। निम्नलिखित विवरण से 31 मार्च 2010 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। श्री गिरीश व्यास की रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष 10,000 रुपये था, जो पासबुक के शेष से भिन्न था। दोनों का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि पहला 25 मार्च को 1,500 रुपये के चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजे थे, किंतु पासबुक में अब तक जमा नहीं हुए। दूसरा, शैलेश व्यास को दिया गया 2,000 रुपये का चेक अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। तीसरा, बैंक ने 50 रुपये ब्याज के दिए किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। चौथा, बैंक में 40 रुपये लगाया गया किंतु रोकड़ बही में इसका उल्लेख नहीं किया गया। यहां हम देख रहे हैं कि प्रश्न में रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष दिया गया है। डेबिट शेष के आधार पर सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनल अमाउंट कॉलम में एंट्री कर लेंगे रोकड़ बही का डेबिट शेष 10,000 रुपये। और अब आइए देखते हैं कि इसमें किन किन मदों को हमको जोड़ना है और किन को घटाना है। तो दो पोर्शन हमने बना लिया ऐड और लेस का। सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट, 25 मार्च को 1,500 रुपये के चेक बैंक में संग्रह हेतु भेजे गए किंतु पासबुक में आज तक जमा नहीं हुए, यानी ये पॉइंट आ जाएगा हमारा टेबल के अकॉर्डिंग। संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, जो कि अगर बैंक खाते का डेबिट शेष होता है तो उस कंडीशन में माइनस किया जाता है, तो ये हमारे लेस वाले पोर्शन में आ जाएगा 1,500। संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और इनर कॉलम में हम इस अमाउंट को लिखेंगे 1,500 को। दूसरा, शैलेश व्यास को दिया गया 2,000 रुपये का चेक अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, ये पॉइंट हमारा टेबल के अकॉर्डिंग आ जाएगा निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और टेबल में हम देख रहे हैं कि प्लस का पॉइंट है कब, जबकि रोकड़ बही का डेबिट शेष हो। तो ऐड वाले पोर्शन में हम इसको लिख लेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और अमाउंट के इनर कॉलम में 2,000 से हम इसकी एंट्री करेंगे। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो है बैंक ने 50 रुपये ब्याज के दिए किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे गए। टेबल में हम देख रहे हैं कि इस कंडीशन में जबकि रोकड़ बही का डेबिट शेष हो और बैंक ने किसी प्रकार का कोई व्यय किया हो और उसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में अगर ना हुई हो तो ये प्लस हो जाता है। तो ऐड वाले पोर्शन में हम इसे लिखेंगे बैंक ने ब्याज दिए किंतु रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई, और 50 रुपीज की जो अमाउंट है वो इनर अमाउंट कॉलम में हम लिख देंगे।
फोर्थ पॉइंट में बैंक में लगाया गया है, बैंक ने लगाया है किंतु रोकड़ भेज में इसकी प्रविष्टि नहीं की गई है, तो माइनस यानी लेस वाले पोर्शन में हम इसको लिखेंगे बैंक में जिसकी प्रविष्टि रोकड़ भेज में नहीं की गई, और 40 रुपीज से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो अब टोटल हम देख रहे हैं कि 10,000 जो हमारी बेसिक अमाउंट थी, इसमें ऐड का जो पोर्शन है वो है 2,050, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा अमाउंट 12,050, और इसमें हम लेस कर देंगे 1,540, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 10,510, और ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर विवरण तैयार कीजिए। जो भारतीय की पासबुक का 31 मार्च 2013 का शेष दर्शाता है। पहला, रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष 1,235 रुपये। दूसरा, उक्त तिथि के पूर्व 430 रुपये के चेक निर्गमित किए गए जो अभी तक रोकीकृत नहीं हुए थे। तीसरा, बैंक में 870 रुपये के चेक जमा किए थे जो अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए थे। चौथा, बैंक ने 56 रुपये बैंक व्यय के डेबिट किए थे जिसकी प्रविष्टि रोकड़ पुस्तक में नहीं थी। पांचवा, एक ग्राहक ने सीधे उनके लेखे में 210 रुपये जमा किए जिसे बैंक ने भारती के लेखे में क्रेडिट किए थे। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि जो हमारा आधार है वो रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष शेष है, यानी जिन चीजों को हम जिन मदों को रोकड़ पुस्तक के डेबिट शेष में जोड़ते थे अब हमको उनको यहाँ घटाना है, और जिन मदों को हम घटाते थे उनको यहाँ पर हमको जोड़ना है। तो फिलहाल हमारा जो बेस है यहाँ पर रोकड़ पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष, उसकी जो अमाउंट है 1,235, उसको हम फाइनल अमाउंट कॉलम में लिख लेंगे। और अब ये देखते हैं कि इनमें किन किन मदों को हम प्लस करेंगे और किन मदों को हम माइनस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो है उक्त तिथि के पूर्व 430 रुपये के चेक निर्गमित किए गए जो अभी तक रोकीकृत नहीं हुए, यानी टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंट है निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। और अगर विवरण के आधार पर हम देखें तो रोकड़ पुस्तक का जब अधिविकर्ष शेष दिखाया जाता है तो निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत अगर होते हैं तो इस दशा में ये माइनस कर दिए जाते हैं, तो माइनस वाले पोर्शन में हम इनको लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत 430, और इस 430 के अमाउंट को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ने 870 रुपये के चेक जमा किए जो अभी तक पासबुक में क्रेडिट नहीं हुए, यानी टेबल के अकॉर्डिंग ये हमारा पॉइंट है संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, जो कि यहाँ पर प्लस किया जाएगा, और एड वाले पोर्शन में हम इसको लिखेंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित 870, इसे हम इन अमाउंट के इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ने 56 रुपीज बैंक वे के डेबिट किए जिसकी रोकड़ पुस्तक में कोई प्रविष्टि नहीं की गई। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये पॉइंट देखा था, लेकिन वहां पर हम रोकड़ बही के डेबिट शेष के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना रहे थे, यहाँ पर हमारा रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो गया, तो अब इसको हम माइनस ना करके यहाँ पर प्लस कर देंगे, और प्लस वाले पोर्शन में हम इसको लिखेंगे बैंक वे डेबिट किए गए लेकिन रोकड़ पुस्तक में नहीं लिखा गया 56 रुपीज। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे एक ग्राहक ने सीधे उनके लेखे में 210 रुपए जमा किए जिसे बैंक ने भारती के लेखे में क्रेडिट किया, यानी ग्राहक द्वारा सीधा भुगतान जिसे हम टेबल में देख रहे हैं कि अगर रोकड़ पुस्तक का अधिविकर्ष शेष होता है तो ये घट जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर हम इसको माइनस के कॉलम में लिख देंगे ग्राहक द्वारा सीधे प्राप्त, और अमाउंट में हम लिख देंगे 210 इनर कॉलम में। तो जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो 1,235 रुपीज जो है वो बैंक पुस्तक का अधिविकर्ष शेष था, इसमें हम ऐड कर देंगे दो पॉइंट 870 और 56, जिसका टोटल आता है 926, जिसको हम अमाउंट के फाइनल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे, और जब हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे 1,235 और 926 तो टोटल आता है 2,161, और इसमें से हम लेस के जो दो मदे हैं उनको हम घटा देंगे, ये टोटल 430 और 210 यानी 640 को हम इसमें से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 1,521 आ जाएगा, प्लस में आ रहा है आंसर, तो हम यहाँ पर इसको बैलेंस एज पर पासबुक के अनुसार शेष 1,521 रुपए लिखेंगे।
निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2011 का बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। रोकड़ बही और पासबुक की जांच करने पर मालूम हुआ कि पहला, 31 मार्च 2011 को रोकड़ बही का शेष 345 रुपए क्रेडिट था। दूसरा, आपने मार्च में कुल 3472 रुपए का चेक निर्गमित किया, लेकिन उनमें से केवल 2472 रुपए के चेक बैंक में उपस्थित किए गए। तीसरा, आपने बैंक में 2375 रुपए के चेक जमा किए थे, जिनमें से 375 रुपए का चेक अभी भी बैंक में समाकलित नहीं हुआ। चौथा, बैंक वे 10 रुपए जो बैंक ने अपने खाते में विकलित किए। इस प्रश्न में हमारा जो मुख्य आधार है बैंक समाधान विवरण बनाने का, वो है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष यानी अधिविकर शेष 345 रुपए, जिसको कि हम अपने बैंक समाधान विवरण में पर्टिकुलर कॉलम में लिख लेंगे रोकड़ बही के क्रेडिट शेष के अनुसार, और फाइनल अमाउंट कॉलम में हम 345 के अमाउंट को लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से मदों को इसमें जोड़े और किनको किनको घटाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3472 रुपए के चेक निर्गमित किए गए, लेकिन उनमें से केवल 2472 रुपए के चेक को ही बैंक में जमा को ही उपस्थित किया गया। इसका मतलब यह है कि जो दोनों के बीच का जो बैलेंस आता है, डिफरेंस आता है, वो ऐसी अमाउंट है जिसके चेक कंपनी ने निर्गमित तो किए लेकिन भुगतान के लिए वो प्रस्तुत नहीं हुए। यानी ये हमारे टेबल का पॉइंट हो जाएगा, निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। और अगर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होता है तो ये जो पॉइंट है वो प्लस हो जाता है। तो ऐड वाले पोर्शन में हम इसके अमाउंट लिखेंगे। दूसरी बात, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3472 माइनस 2472, तो ये जो बैलेंस आता है 1000 रुपीस आता है, और 1000 को हम यहाँ पर फिर माइनस कॉलम में लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और इसकी अमाउंट हो जाएगी 1000। दूसरा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैंक में चेक जमा किए थे 2375 रुपए के, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि केवल 375 का चेक जो है अभी तक बैंक में समाकलित नहीं हुआ। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित, और इसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित को, और 375 के अमाउंट को हम प्लस वाला जो हमारा पोर्शन है वहां पर इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है बैंक व्यय का, जो कि बैंक खाते में डेबिट तो हो गया है, तो इसकी क्योंकि बैंक व्यय है तो इसकी एंट्री हम क्योंकि रोकड़ अधिविकर्ष है तो यहाँ पर हम इसको ऐड कॉलम में लिखेंगे, बैंक द्वारा लगाए गए बैंक व्यय जो बैंक खाते में डेबिट किए गए, और 10 रुपीज इसके इनर कॉलम में लिखेंगे। अब टोटल हम जो प्लस की अमाउंट देख रहे हैं वो है 385, और हमारा जो बेस है वो है 345। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 730, और 1000 के अमाउंट अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो 270 का जो माइनस यहाँ पर बैलेंस आता है, तो उसको हम ये मान लेंगे कि ये बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट 270 है। इकतीस मार्च 2006 को रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष 8500 रुपए था। निम्नांकित व्यवहारों के आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। पहला, 1000 रुपए के चेक बैंक में भेजे गए पर संग्रहित नहीं हुए। दूसरा, 2000 रुपए के चेक जारी किए गए परंतु 1500 रुपए के चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। तीसरा, 75 रुपए ब्याज के केवल पासबुक में अंकित है। चौथा, ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किए गए 300 रुपए। पांचवा, 500 रुपए का बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो है रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट चेक, जिस तरह के प्रश्न हम बनाते आ रहे हैं, तो 8500 से इसकी एंट्री हम फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में करेंगे। और अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें प्लस होंगे और कौन से माइनस होंगे। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, 1000 रुपए का चेक बैंक में भेजा गया लेकिन संग्रहित नहीं हुआ, ये टेबल के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट हो जाएगा संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित। और क्योंकि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर
जुड़ जाएगा, एड वाले पोर्शन में आएगा। तो एड वाले पोर्शन में हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, संग्रह है तो भेजे गए चेक असंग्रहित, और 1000 के अमाउंट को हम अमाउंट के इनर कॉलम में लिख देंगे। दूसरा पॉइंट है, यहाँ 2000 रुपए के चेक जारी किए गए परंतु 1500 रुपए का चेक ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया। तो इसका अर्थ ये है कि वास्तव में चेक जो निर्गमित किए गए थे भुगतान के लिए वो 2000 के थे, लेकिन इसमें से 500 रुपए का जो चेक है, क्योंकि 1500 का प्रस्तुत हो चुका है, तो 500 रुपए का जो चेक है अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। तो टेबल के अकॉर्डिंग ये हेडिंग आ जाएगी, निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत। और यहाँ पर इस 500 के जो डिफरेंस की अमाउंट है उसको हम लिख देंगे, तो ये जो पॉइंट होता है वो लेस हो जाता है, लेस में हम इसकी एंट्री करेंगे 500। और नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो हो जाएगा 75 रुपए ब्याज के केवल पासबुक में अंकित है। तो क्योंकि ये पासबुक में ही इसकी एंट्री की गई है, कैशबुक में इसकी एंट्री नहीं की गई, ये माना जाएगा। और जबकि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होता है, अधिविकर शेष होता है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की जो प्रविष्टियां होती हैं वो जुड़ जाती हैं, एड कॉलम में आ जाती हैं। तो एड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे ब्याज जिसकी प्रविष्टि केवल पासबुक में की गई, और 75 रुपीज ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फोर्थ, जबकि ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किए गए 300, तो क्योंकि ग्राहक सीधे बैंक में जमा किया है और रोकड़ बही का अधिविकर शेष दर्शा रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो 300 के अमाउंट है वो माइनस हो जाएगी। माइनस वाले पोर्शन में हम इसको लिख देंगे ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किए गए 300, और इनर कॉलम में हम 300 के अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 500 रुपए का बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा गया। तो टेबल में हम देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में जब इस तरह से बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक करता है और रोकड़ कॉलम में हम उसको नहीं लिखे हैं, कंडीशन में इस तरह की जो प्रविष्टियां होती हैं वो जुड़ जाती हैं, एड कॉलम में आ जाती है। बीमा प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया और 500 रुपीज जो है उसको हम इनर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। और अब हम जो हमारा बेसिक अमाउंट था 8500, उसमें हम प्लस करेंगे ऐड के जो तीन पॉइंट है 1075 और 500, यानी कि 1575, तो हमारा टोटल आ जाएगा 10075। और इसमें हम दो पॉइंट 500 और 300 यानी कि टोटल 800 माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 9275, जिसे हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, पासबुक के डेबिट शेष के आधार पर 9275 रुपए। श्री रामसुख को ज्ञात हुआ कि 31 मार्च 2010 को रोकड़ बही के अनुसार उसके बैंक खाते का शेष 7800 रुपए है, परंतु उसकी पासबुक निम्नलिखित कारणों से अंतर दर्शाती है। पहला, उसने 750 रुपए के चेक जारी किए जिनमें से केवल 625 रुपए के चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए। दूसरा, उसने 550 रुपए का चेक 30 मार्च को जमा कराया परंतु इसमें से केवल 375 रुपए के चेक उसकी पासबुक में क्रेडिट हुए। तीसरा, उसे ज्ञात हुआ कि 250 रुपए का चेक जो उसने बैंक खाते में डेबिट कर दिया था बैंक में जमा नहीं कराया गया है। चौथा, एक ग्राहक ने बिना उसको सूचना दिए 150 रुपए सीधे बैंक में उसके खाते में जमा कर दिए। पांचवा, बैंक ने 31 मार्च को 100 रुपए चंदा दिया जिसका उल्लेख रोकड़ बही में नहीं था। छठवा, बैंक ने अधिविकर्ष पर 200 रुपए ब्याज के दिए इसका उल्लेख रोकड़ बही में नहीं किया गया। 31 मार्च 2010 को बैंक समाधान विवरण तैयार कीजिए। इस प्रश्न में क्योंकि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष दर्शाया गया है, तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि किन किन मदों को इसमें जोड़ा जाएगा और किन मदों को घटाया जाएगा। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 750 रुपए का एक जारी किया गया चेक है जिसमें से 625 रुपए केवल प्रस्तुत किया गया, इसका मतलब ये है कि 175 रुपए का चेक अभी भी ऐसा है जो निर्गमित किया गया, जारी किया गया, लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। तो ये क्योंकि पॉइंट आएगा हमारा निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत, और क्योंकि रोकड़ बही के क्रेडिट शेष के आधार पर हमको बनाना है, तो ये प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे निर्गमित चेक भुगतान के लिए अप्रस्तुत,
और 175 से हम इसकी एंट्री इनर कॉलम में, अमाउंट के इनर कॉलम में करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, 550 रुपए का चेक 30 मार्च को जमा कराया, लेकिन 375 रुपए के चेक उसकी पासबुक में क्रेडिट हुए। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अभी भी 550 माइनस 375 अगर करते हैं तो 125 का चेक ऐसा है जो जमा करने के लिए भेजा गया लेकिन अभी तक वो जमा नहीं हुआ। यानी टेबल के अकॉर्डिंग ये पॉइंट हो जाता है, संग्रह हेतु भेजे गए चेक असंग्रहित। और अगर रोकड़ बही के क्रेडिट शेष के अनुसार देखा जाए तो ये माइनस का पॉइंट है, तो माइनस वाले पोर्शन में हम लिखेंगे संग्रह हेतु भेजा गया चेक असंग्रहित 125। नेक्स्ट, 250 रुपए का एक चेक था जो बैंक खाते में डेबिट किया गया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया गया। तो ऐसे चेक जो बैंक खाते में डेबिट है लेकिन अभी तक जमा नहीं कराए गए हैं और कंडीशन ये हो कि रोकड़ बही क्रेडिट शेष दिखा रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ऐड हो जाता है, ये जुड़ जाता है उसमें। तो ऐड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे चेक जो बैंक खाते में डेबिट किया लेकिन बैंक में जमा नहीं किया, और 250 के अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ग्राहक ने सूचना नहीं दिया और सीधे 150 रुपीज जो है वो बैंक खाते में जमा कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जबकि ग्राहक सीधे बैंक में जमा कर दे, लेस का पॉइंट है, ये माइनस हो जाता है। तो माइनस पोर्शन में हम इसको लिखेंगे ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा किया गया, और 150 हम इसको माइनस वाले कॉलम में, माइनस वाले पोर्शन में, अमाउंट कॉलम में, इनर अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर बैंक ने 31 मार्च को 100 रुपए चंदा दिया जिसका उल्लेख रोकड़ बही में नहीं हुआ। बैंक द्वारा ये किया गया व्यय है और एड में आएगा ये, क्योंकि रोकड़ बही का अधिविकर शेष दिखा रहा है। तो एड में हम इसको लिखेंगे बैंक द्वारा दिया गया चंदा जिसका उल्लेख रोकड़ बही में नहीं है, और 100 के अमाउंट को हम इनर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, 200 रुपए का एक ब्याज है जो कि बैंक ने अधिविकर्ष पर लगाया है, बैंक द्वारा लगाया गया ये ब्याज है इसलिए जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि रोकड़ भाई का शेष भी अधिविकर्ष दिखा रहा है। तो ऐड वाले पोर्शन में हम लिखेंगे बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाया जिसका उल्लेख रोकड़ भाई में नहीं किया गया, और अमाउंट के इनर अमाउंट कॉलम में हम 200 से इसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी पॉइंट जो हमको प्लस माइनस करने थे वो हमने कर लिए। बेसिक हमारी जो अमाउंट है वो है 7800, एड वाला जो पोर्शन है वो टोटल हो जाता है 725। इस 725 को जब हम 7800 में प्लस कर देते हैं तो फाइनल अमाउंट कॉलम में हमको ये मिल जाता है 8525, और लेस वाली जो अमाउंट है वो है हमारी टोटल 275। इसको हम 8525 में से लेस कर देते हैं तो ये हो जाता है 8250। तो ये जो 8250 का जो बैलेंस दिखा रहा है प्लस में आ रहा है आंसर, तो हम इसको लिख सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 8250, या फिर पासबुक का अधिविकर्ष शेष 8250।